आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक बार पुनः बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली क्लास में हम गुप्त वंश पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें गुप्तों के उद्भव, गुप्तों के समय, समकालीन राजनीतिक दशा, गुप्त वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक की चर्चा करते हुए हम समुद्रगुप्त पर चर्चा कर रहे हैं। और समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने बात भी की थी कि इस पर तीन प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। एक तो समुद्रगुप्त का सामरिक अभियान होगा, समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान होगा और उत्तरापथ अभियान होगा, जिसे हम आर्यावर्त विजय के बारे में देख रहे हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आर्यावर्त विजय के बारे में है और इसके स्रोत और वो कौन कौन से राज्य हैं जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था और उनके साथ उन्होंने किस नीति का पालन किया, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। आगे के वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि वो महत्वपूर्ण राजवंश कौन कौन से हैं और भारत के नक्शे पर कहाँ कहाँ स्थापित थे, इनका क्षेत्र क्या था और वहाँ के शासक कौन कौन से थे, उनके बारे में बात की जाएगी। तो चलते हैं, आज हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के आर्यावर्त विजय के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार करने का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है, जबकि गुप्त साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाता है। यही नहीं, इनकी उपाधियों से भी यह ज्ञात होता है कि वाकई समुद्रगुप्त संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला था। जैसे हम देख रहे हैं, समुद्रगुप्त का उद्देश्य, या कहिए उसने धरणबंध का उपाधि धारण की थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी को जीतना वाला या जीतना था, जिसका उद्देश्य, यानी समुद्रगुप्त का जो उद्देश्य था वो संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना था। और इसके विजय के बारे में जो जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति। हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, और ख़ास तौर पर उनके विजय के बारे में जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है। बाकी अन्य साधन तो हैं, जैसे मुद्राएं वगैरह हैं, अन्य साहित्यिक स्रोत भी हैं, लेकिन सबसे प्रमाणित और क्रमबद्ध तरीके की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और आप जानते हैं यह प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में ही स्थापित है, इसका भी अपना एक इतिहास है, इनकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। हम देख रहे हैं प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं, 14वीं और 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हिमालय से लेकर के देख रहे हैं विंध्य की पहाड़ी और इधर पूरब के से लेकर पश्चिम तक का ये जो संपूर्ण क्षेत्र है जिसे हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमें आर्यावर्त विजय के बारे में जानकारी मिल रही है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं, 14वीं और 21वीं पंक्ति से प्राप्त हो रही है। यही नहीं, 13वीं और जो 14वीं पंक्ति है उससे आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला अभियान, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त विजय के संदर्भ में दो अभियान किए थे, एक तो पहले चरण का और दूसरे चरण का। जो पहले चरण का जो अभियान है उसकी जानकारी हमें 13वीं और 14वीं पंक्ति से प्राप्त होती है। यही नहीं, आगे हम देखते हैं कि इस चरण में आर्यावर्त के प्रथम अभियान के चरण में समुद्रगुप्त ने जिन राज्यों को हराया था उन पर भी बात कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त ने तीन शासकों को हराया, अच्युत, नागसेन और कोतकुलस। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के उत्तरापथ अभियान के बारे में हम जब भी चर्चा करेंगे या आर्यावर्त अभियान के बारे में जब भी चर्चा करेंगे तो उनके अभियानों को हम दो भागों में बांटेंगे, प्रथम चरण का अभियान और द्वितीय चरण का अभियान। जो प्रथम चरण का अभियान है उसके बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति के 13वीं और 14वीं पंक्ति से प्राप्त होती है, जबकि द्वितीय चरण का जो अभियान है उसकी जानकारी हमें
21वीं पंक्ति से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम ध्यान दें कि जो प्रथम अभियान के तहत समुद्रगुप्त ने जिन तीन शासकों को हराया था वो अच्युत, नागसेन और कोतकुलस थे। अब यहाँ पर हमें आगे जो देखना है, जिस पर हम बात करेंगे, इनके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर कौन राजा थे उनके संदर्भ में भी आपसे बातें होंगी, जानने के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं, अन्य स्रोत जैसे सिक्कों वगैरह के संदर्भ में हम इन्हें जानने का प्रयास करेंगे। इन पर अगर किसी प्रकार का विवाद है तो हम विवाद को भी देखेंगे और फिर यह देखेंगे कि वास्तव में इन राजाओं का क्षेत्र कौन था, उस समय राजा कौन थे, और साथ में उनके बारे में जानने के लिए हमारे पास अन्य स्रोत कौन कौन से हैं, और उनके बारे में किसी प्रकार का विद्वानों में मतभेद या विवाद है तो उसका खंडन करते हुए उनका संबंध सही क्षेत्र और सही राजा से स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमें विस्तार देना है आर्यावर्त के बारे में, जिससे मेरा 700 शब्द का उत्तर तैयार हो, उसमें हमें सिर्फ यही तीन चार चीज़ों को बढ़ाना है, क्योंकि इससे पहले हम आपसे बात कर चुके हैं कि पहले नंबर पर जब भी आप शुरुआत करेंगे तो समुद्रगुप्त का एक सामान्य परिचय आप देंगे। उस परिचय की भी बात हुई है, समुद्रगुप्त को किन किन उपाधियों से नवाजा गया था उसके संदर्भ में भी बात हो गई है, उनके बारे में महत्वपूर्ण स्रोत कौन है उस पर भी चर्चा हो गई है, और साथ में उन महत्वपूर्ण स्रोत की बात की जा रही है जिनके माध्यम से समुद्रगुप्त के आर्यावर्त विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और आपने अभी देखा कि ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है, जिसके रचनाकार हरसिंह है, और आप देख रहे हैं यह प्रशस्ति वर्तमान समय में इलाहाबाद में स्थापित है। और यही नहीं, इसकी जो 13वीं और 14वीं पंक्ति है उससे आर्यावर्त के अभियानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और आर्यावर्त के अभियान का वो जो प्रथम चरण है, हमने बताया था कि आर्यावर्त का जो अभियान किया था समुद्रगुप्त ने दो चरणों में किया था, जहां पहले चरणों के अंतर्गत 13वीं और 14वीं पंक्ति में जिन राजाओं का उल्लेख किया गया है वो अच्युत, नागसेन और कोतकुलज हैं। आगे इस पर हमें जो आगे चर्चा होगी वो अच्युत के बारे में, नागसेन और कोतकुलस के बारे में होगी, इनका क्षेत्र क्या था, ये किस इन उस समय समकालीन राजा कौन था, और इनके बारे में अन्य कौन से स्रोत है, अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उसको हम लोग खंडन करने का प्रयास करेंगे और उनका सही संबंध स्थापित किया जाएगा उन क्षेत्र और राजाओं से। अब चलते हैं हम 21वीं पंक्ति के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में दूसरे आर्यावर्त, या कहा जाए दूसरे आर्यावर्त युद्ध का उल्लेख किया गया है, दूसरे आर्यावर्त युद्ध का उल्लेख किया गया है जिसमें समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया था। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार कौन है, प्रयाग प्रशस्ति मूलतः इससे पहले कहाँ स्थापित थी, किसके शासनकाल में वह इलाहाबाद आई, किसने लाया, उसकी भाषा क्या है, उसकी शैली क्या है, और साथ में उसके रचनाकार क्या कौन हैं। और यही नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि 21वीं पंक्ति में दूसरे आर्यावर्त अभियान की जो चर्चा की गई है, युद्ध की जो चर्चा की गई है, उनमें कौन कौन से राजा थे या उन राजाओं का क्षेत्र कहाँ से था, इस तरह के मिलान करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है उसकी जो 21वीं पंक्ति है उसमें दूसरे आर्यावर्त युद्ध या अभियान की चर्चा की गई है, और जिसमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया था। कितने राजाओं को पराजित किया था? 9 राजाओं को पराजित किया था। अब देखते हैं ये कौन कौन से राजा हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त,
चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा प्रमुख हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नौ राजा आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, जिनकी चर्चा प्रयाग प्रशस्ति के 21वीं पंक्ति में की गई है। और इन राजाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की। इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि हम इन राजाओं का संबंध कहाँ से है, शासक कहाँ है, भारत के मैप पर इनको स्थापित करने का प्रयास करेंगे और मैपिंग के माध्यम से इनके क्षेत्र का निर्धारण भी करेंगे। और उस दौरा समय में जो भी राजा थे उनके बारे में भी आपसे बात होगी। तो नौ राज्य के बारे में ये जो भी आपके पास किताब है उस किताब को एक बार आप खोलिएगा और देखिएगा कि जो ये प्रमुख राजा हैं इनका संबंध कहाँ से स्थापित किया गया है। अब सोचिए, अगर इस तरीके से आप 9 और 3, 12 राजाओं के बारे में आप लिखना शुरुआत करेंगे तो कम से कम 2 से 3 पेज आपके ये हो जाएंगे। और साथ में आप स्रोत के साथ लिख रहे हैं, राजाओं का संबंध स्थापित कर रहे हैं, उनका खंडन कर रहे हैं, तो ये इनका विस्तार और बढ़ जाएगा। और आप देखिए, आर्यावर्त का जो अभियान आपसे वो पूछ रहे हैं, अगर भारत का मैप बना करके आर्यावर्त के वो राजवंशों को वहाँ पर दर्शा करके उत्तर लेखन करेंगे तो आपका उत्तर महत्वपूर्ण हो जाएगा और निश्चित तौर पर आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ हम और देख रहे हैं, आर्यावर्त के विरुद्ध समुद्रगुप्त ने प्रसभोधरण की नीति अपनाई, जैसा आप देख रहे हैं। की नीति अपनाई जिसका अर्थ पूर्णता उखाड़ फेंकना अथवा विलय करना था। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने आपसे बात भी की थी कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान किया था, उत्तरापथ अभियान किया, सीमावर्ती राज्यों पर विजय प्राप्त की, विदेशी राज्यों पर विजय प्राप्त की और यही नहीं आत्विक राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। लेकिन इन विजय के उपरांत वहाँ के जो राजा थे या क्षेत्र था उनके प्रति उनकी नीतियाँ हैं और इन नीतियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। जहाँ समुद्रगुप्त को लगता था कि यहाँ पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हमारा स्थापित हो सकता है, जहाँ पर लगता था उन्हें कि यहाँ खर्च कम है आमदनी ज़्यादा है, उन क्षेत्रों पर उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। और आप देख रहे हैं इस प्रयास में उन्होंने आर्यावर्त के विरुद्ध, आर्यावर्त में कहा जाए जो भी उन्होंने आर्यावर्त के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी उनके विरुद्ध प्रसभोधरण की नीति अपनाई जिसका अर्थ पूर्णता उखाड़ फेंकना अथवा विलय करना था। उखाड़ फेंकना का मतलब है कि आप देख रहे हैं उनके राजवंश या राज्य का अस्तित्व समाप्त करके उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना, अपने साम्राज्य का अंग बना लेना। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे गुप्त साम्राज्य का विस्तार हो रहा है और इस विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समुद्रगुप्त निभा रहे हैं। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन्होंने आर्यावर्त के विरुद्ध प्रसभोधरण की नीति अपनाई। थोड़ी सी चर्चा हम प्रयाग प्रशस्ति पर कर लेते हैं, प्रयाग प्रशस्ति जिससे महत्वपूर्ण जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में प्राप्त हो रही है। और आप जानते हैं कि यह शुरुआत में ये जो प्रशस्ति है कौसाम्बी में स्थित थी। कहाँ पर? कौसाम्बी में स्थित थी। और देख रहे हैं अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद लाया गया और इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं और इसकी भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और शैली चंपू है और इसके रचनाकार हरसेन हैं। ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जो
थोड़ी इसके बाद आप प्रतियोगी परीक्षा जब भी कभी आप देंगे तो इससे जुड़े हुए ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है, उसकी लिपि क्या है, शैली हम देख रहे हैं, शैली की बात है, शैली चंपू शैली है और हरषेण इसके रचनाकार हैं। तो इस तरीके से हम देख और मूलतः अगर मूल रूप से देखा जाए कहाँ पर स्थापित थी तो कौशाम्बी पर। कौशाम्बी में किसके समय में इलाहाबाद लाया गया, अकबर के समय में किसके द्वारा लाया गया, जहांगीर के द्वारा। इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, 33 हैं। इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है और शैली चंपू है और आगे हम देख रहे हैं इसके रचनाकार हरिषेण हैं। तो ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भी आप बार बार प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा कर रहे हैं तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो आगे का हमारा कार्य है और आप भी उसे करेंगे कि हम जिन 9 और 3 12 राजाओं की चर्चा कर रहे हैं उनके क्षेत्र के बारे में, उनके राज्य के बारे में, या उस समय महत्वपूर्ण राजा कौन थे, उनके अन्य स्रोत कौन और विद्वानों का क्या मत है उनके बारे में कि वो किस क्षेत्र प्रशासन करते थे, क्योंकि इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद है, वो सब आप अपनी किताबों के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करिएगा। और इस तरीके से जब भी आप आर्यावर्त के बारे में उत्तर लिखेंगे तो पहले नंबर पर आप देख रहे हैं आपका प्रस्तुतिकरण हो जा रहा है और उसी के साथ स्रोत और समुद्रगुप्त के बारे में सामान्य परिचय हो रहा है और फिर उनके अभियानों पर हम चर्चा कर रहे हैं तो कम 9 राजाओं के बारे में, हम 9 राज्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनकी नीतियों पर बात कर रहे हैं और बात करने के बाद हम निष्कर्ष की तरफ पहुँच रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा आर्यावर्त अभियान का जो भी प्रश्न बनेगा उसका बेहतर उत्तर लिखा जा सकता है। तो ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।